एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद की, गांव में गणेश मेला लगा है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने यह सुनकर कहा कि मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम गिर पड़ोगे, तुम्हें चोट लग जा सकती है। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। लड़की की जीत देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ दो, मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माता ने उसे दो लड्डू और एक घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी भगवान गणेश जी को देना और एक लड्डू और बचा हुआ पानी तुम खा लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि एक लड्डू और थोड़ा पानी आपके लिए और एक लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपने एक लड्डू और थोड़ा पानी खा लीजिए ताकि मैं अपना लड्डू और बचा हुआ पानी खा सकूं। ये कहकर लड़की पूरी रात वहीं गुजार देती है। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं यह लड्डू और जल नहीं खाऊंगा तो यहां से कन्या घर नहीं जाएगी। तो भगवान गणेश जी ने एक लड़के के रूप में वहां आए और लड़की के एक लड्डू और थोड़ा पानी खा लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की ने यह सुनकर सोचने लगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अन्न मांगू या धन मांगू या खेत मांग लूं या महल मांगू या मैं अपने लिए एक वर मांग लूं? भगवान समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ, तुमने मन में जो जो सोचा था वह सभी तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही मां ने पूछा, इतनी देर कैसे हुई, तुम कहां खो गई थी? लड़की कहती है, मां मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, मैंने एक लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दिया और एक लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने खा लिया। जैसे ही लड़की ने यह सब कहा, उसकी वह सारी इच्छाएं पूरी हो गईं जो उसने उस समय सोची थीं।